मेंस फैशन वेयर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बेसुटेड ने एक रिपन स्ट्रीट इलाके में अपना दूसरा आउटलेट खोल लिया है। आपको बता दें कि पार्क सर्कस क्वेस्ट मॉल के पास बैग बगान रो में अपने पहले आउटलेट की कामयाबी के बाद अब 100 रिपन स्ट्रीट पर बेसुटेड का दूसरा आउटलेट खोला गया है, जिसमें आपको मिलेगा अपने कस्टमाइज टेलरिंग का पूरा सोल्यूशन, जिनमें सूटिंग, शर्टिंग, पैंट्स, ब्लेजर्स, थ्री पीस, जवाहर कोट, शेरवानी, पजामा कुर्ता, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस के अलावा आप जैसा भी डिजाइनर वेयर ड्रेस बनवाना चाहते हैं वो भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो देर ना कीजिए, अपने त्योहार और वेडिंग सीजन को और भी यादगार बनाने के लिए अगर आप रिपन स्ट्रीट, तालतल्ला, एलियट रोड, पार्क स्ट्रीट, रॉयट स्ट्रीट, न्यू मार्केट या आसपास के इलाके में रहते हैं और आपको चाहिए बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में अनबिलीवेबल सूटिंग शर्टिंग एक्सपीरियंस, तो एक बार जरूर विजिट करें बेसुटेड। देखिए बेसुटेड जो है, जिनके मालिक शराफत साहब मेरे पास खड़े हैं, हम मेरी वाकफियत इससे नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर एक शादी के सिलसिले में इन्होंने मेरा एक सूट बनाया था। ऐसे बहुत सारे सूट्स बने थे, मेरे दोस्तों के बने थे, और यह सूट जो है इनके बेटे के वलीमा के सिलसिले में था, सोहेल के छोटे भाई के सिलसिले में। तो हम आज भी इसका जिक्र कर रहे थे कि इतना फिटिंग अच्छा हुआ हमको कि हमको उसको अभी ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली हमको क्या है ना, कभी कभी कुछ ऑर्डर कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत एक्सपर्टीज़ है इनके अंदर और बहुत ही जज्बा है और डेडिकेशन है काम के सिलसिले में। हम समझते हैं यही जज्बा है जो उनको सेकेंड आउटलेट खोलने पर आमादा किया है, और मेरी दुआ है कि वो उनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आउटलेट भी कलकत्ता के मुख्तलिफ जगहों में खुले। सेटिस्फैक्शन देखिए, कस्टमर्स के जो सेटिस्फैक्शन होते हैं ना, वो अगर आप फुलफिल कर लेंगे तो जाहिर बात है आपका जो है एतमाद जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत मजबूत हो जाता है। तो अब मेरी तो पहचान वाकफियत थी नहीं, सोहेल के जरिए वाकफियत हुई, साजिद साहब के जरिए वाकफियत हुई, तो हमको अंदाज़ा हो गया कि ये सही मानों में कस्टमर्स चॉइस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और बहुत अवेयरनेस है इनके अंदर। और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छा लगा ये कि यहाँ, अगर मैंने तो अभी आते ही कहा कि चूँकि रिपन स्ट्रीट का एरिया बहुत एम्बेलिश्ड एरिया है, बहुत डेवलप्ड एरिया है, लोगों का मिजाज पहले से बदल चुका है, जायज़ बात है एक बहुत अच्छी चीज़ जो दूसरी जगह जाके अगर आदमी ख़रीदे और यहाँ मिल जाए और मुनासिब कीमत पर मिल जाए, मुनासिब टेलर्ड में मिल जाए, तो ज़ाहिर लोग इसी को प्रेफर करेंगे ना। तो मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ इस आउटलेट के लिए, ख़ास तौर से शराफत साहब को और उनके तमाम ग्रुप को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इतना अच्छा यहाँ पर एक आउटलेट या इतना बड़ा शोरूम यहाँ बनाया, बहुत बहुत मुबारक हो। आज माशाल्लाह हम लोग का सेकेंड ब्रांच ओपनिंग है ये वाला, पहला वो क्वेस्ट मॉल में था, आप लोग आए थे ये। तो एक साल हो गया लगभग, एक साल में दूसरा दुकान अपना ये रिपन स्ट्रीट 100 रिपन स्ट्रीट में है। ये सामने मेज़बान है, मेज़बान होटल से ठीक रिपन स्ट्रीट कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर आइएगा तो आपको लेफ्ट हैंड में मिलेगा दुकान। सब कुछ है, डिज़ाइनर सूट है, कुर्ता है, शर्ट है, शेरवानी है, मतलब जो जो आपको चाहिए एक मेंस वेयर में जो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। प्राइस रेंज 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट है फॉर्मल सूट, उसके बाद डिज़ाइन जैसा दीजिएगा उस हिसाब से रेट लगता है। एम्ब्रॉयडरी अगर कराना है तो सबका रेट सब अलग अलग है। हाँ हाँ, ब्रांडेड है, अपने पास रेमंड का भी कपड़ा है और आपका कडीनी है, मतलब ब्रांडेड ही है। हाँ ब्रांडेड है। हाँ ईद के लिए अभी तो कुर्ता है ही ईद के लिए, और ईद के लिए और भी बहुत सारा कलेक्शन आएगा, अभी तो ओपनिंग है, उसके बाद अभी और भी बहुत सारा माल आएगा, ईद का अलग कलेक्शन आएगा। जी ऑफर है, 20% डिस्काउंट है कस्टमर को, कपड़े में, फैब्रिक में है, टेलरिंग तो बहुत रीजनेबल है हम लोग का, तो उसमें क्या डिस्काउंट देंगे। ये रिपन स्ट्रीट में खोलने का ये हम लोग का था, इसलिए कि जो हमारा पहला जो ब्रांच था बेसुटेड, जो क्वेस्ट मॉल के ऑपोजिट में था, गेट नंबर 5 ऑपोजिट में, तो वहाँ पे हमारा जो क्लाइंट बेस था, जो क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट था रिपन स्ट्रीट से, बहुत सारे क्लाइंट आते थे, बहुत उनका था कि आप लोग रिपन स्ट्रीट में भी कभी खोलिए। तो यू नो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के बाद में ऐसा मौका मिला कि रिपन स्ट्रीट में भी आज खोलने का मिला, और उसके साथ में जो भी जो लास्ट ईयर से कलेक्शन था, अभी भी हमारा कलेक्शन डिफरेंट है, बहुत सारा न्यू कलेक्शन है, सामने दिख भी रहा आप लोगों को, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। तो इसके अलावा और भी, जैसे लास्ट टाइम ही बोले थे कि कस्टम डिज़ाइन होता है, न्यू डिज़ाइन होता है, ओन अगर अपना कोई खुद का लेके आता है वो भी होगा। बस देखिए स्टिचिंग तो हम अपने बारे में खुद नहीं बता पाएंगे, ये कस्टमर फीडबैक है, और अल्हम्दुलिल्लाह
जितना कस्टमर आया है, फीडबैक रिव्यू उनका मिला है, उन लोग का प्यार मिला है, और यही इसी के ऊपर तो देखिए एक साल में दूसरा दुकान खोलना नामुमकिन है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत जो है क्लाइंट का, उन लोग का फीडबैक रिव्यू जो भी आया उसके हिसाब से आज हम लोग दूसरा दुकान खोल पाए। आप लोग जो वैल्यूड कस्टमर है उनसे क्या कहेंगे? वैल्यूड कस्टमर को हम यही बोलेंगे कि जो आपको मिलता गया आपको फिर से वही मिलेगा, और एक बार आप यहाँ भी आइए, दुकान सेम है, कारीगर भी सेम है, स्टिचिंग भी सेम मिलेगा, इससे बेटर मिलेगा। और स्टोर का टाइमिंग क्या रहेगा? स्टोर का टाइमिंग आपका रहेगा 11 से 8 बजे तक।